मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हां, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। किसी कवि की कविता श्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है, सिर्फ इतनी सी बात है कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, व्यापारी को बाजार की, बच्चों को संस्कार की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, और सर्दी में रिजाई की, राहुल को लुगाई की, और गालों को लाली की, और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से इन कवियों को ताली की जरूरत पड़ती है। एक शाम माँ के नाम बहुत ही शानदार कार्यक्रम भाई सर्जन शीतल ने इतनी मेहनत से यहाँ पर आज आप लोगों के बीच में आयोजित किया, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं और साधुवाद के पात्र हैं। मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं उससे पहले चार पंक्तियां मैं माँ के चरणों में निवेदित करना चाहता हूं, मंच का ध्यान चाहता हूं। कि मेरे हर सुख का राज है माँ, कि मेरे हर सुख का राज है माँ, और मेरे हर दर्द का इलाज है माँ। कि मेरे हर सुख का राज है माँ, मेरे हर दर्द का इलाज है माँ, और जाड़ों में गर्म धूप का एहसास है माँ, और मरुस्थल में जल का विश्वास है। कि जाड़ों में गर्म धूप का एहसास है माँ, और मरुस्थल में जल का विश्वास है माँ, और अंधकार को चीरता प्रकाश है माँ, और मेरे सर का साया आकाश है माँ, सर का आकाश है। बहुत सुंदर। अब ये माला पहना करके गए या चढ़ा करके गए ये तो मुझे नहीं पता, चढ़ा के गए, चढ़ाने की तो पहले भी इन्होंने बहुत कोशिश थी। मेरे स्वागत में 3-4-5 चुटकुले चेप गए, इनको अपनी बारी में कम टाइम मिला, इन्होंने सोची यहाँ पे खाता पूर्ति कर ली जाए। नहीं, इस मामले में बहुत उस्ताद, वो शुरू में जब वो स्वागत की प्रक्रिया चल रही थी उस समय सृजन का स्वागत करने के लिए भी आए थे, तब भी 4-5 ले गए थे ये। मैं देख रहा था ये करेगा बदमाशी, आपने काउंटिंग की है, मैं बैठा बैठा सामने करके आ रहा था भाई, यही चीजें ऑब्जर्व कर रहा था। और आज के इस कवि सम्मेलन के संचालक अवशेष कुमार, जिनके अवशेष यहाँ बैठे हुए, और जिस समय ये अवशेष संचालन कर रहे थे ये पूरा पंडाल भरा हुआ था, और अब श्रोताओं के अवशेष मेरे सामने, और कवियों के कुछ अवशेष मंच पर हैं जो अभी आपके सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। सीधे सीधे मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं। कि जीजा जी चहक उठे फूल से महक, कि जीजा जी चहक उठे फूल से महक उठे, यदि ससुराल में हो प्यारी प्यारी सालियां। वाह वाह। और ये सालियों की सुविधा है, ये भी सिर्फ भूतपूर्व जीजाओं को, जो आजकल फूफा बन चुके हैं, और जो आजकल के नौजवान हैं वो तो साली तो भूल जाओ, घरवाली मिलनी मुश्किल हो गई। जिस हिसाब से लिंग अनुपात चल रहा है, घरवाली मिलने में दिक्कत हो रही है भाई साहब, साड़ी तो बहुत दूर की बात है। वो मुझे याद आती है, कभी मैंने लिखा था कि फैशन के इस युग में यारों कब गारंटी होती है, और जिसकी बाहों में ताकत है दुनिया उसकी होती है, और घरवाली तक मिलने में जब इतने ज्यादा संकट हो, और घरवाली तक मिलने में जब इतने ज्यादा संकट हो,
साली सलहज उनको मिलती किस्मत जिनकी होती साली सलहज उनको मिलती किस्मत जिनकी होती है कि जीजा जी चहक उठे फूल से महक किसी जाजी चहक उठे फूल से महक उठे यदि चलिए चलिए हो रही है भाई साहब जनरेटर वाले को भी अपनी साड़ी की याद आ गई कि जीजा जी चहक उठे फूल से महक उठे यदि ससुराल में हो प्यारी प्यारी सालियां और यौवन संवर जाए रूप भी निखर जाए कानों में जो पहनी हो गोल्ड वाली बालियां और मुझको डराना नहीं गालियों फुलाना नहीं और मुझको डराना नहीं गालियों फुलाना नहीं जिसने बुलाया मुझे उसे ही तो गालियां और रंग में जमाना जानू सबको हंसाना जानू बस एक बार जोर से बजाओ तालियां और मेरे परिचय में दो दो संचालक आए एक तो अवशेष का अवशेष और एक ओज कवि मनोज चौहान इन्होंने नहीं कोई बात नहीं भाई आदत है मुझे इस तरह के माहौल में कविता पाठ करने की बहुत अच्छी बात है एक बार सर मैं छोटा ताली हाथ के लिए यहाँ तो फिर भी लाइट जाने के बाद आ तो रही हमारे यहाँ हरियाणा में तो जाने के बाद आती नहीं है और ये उत्तर प्रदेश है योगी जी का अभी योगी जी के दर्द को भी आप लोगों से बांटूंगा उससे पहले मैं अपने परिचय की चार पंक्तियां आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहता हूँ जो मेरा आधा अधूरा परिचय दिया गया उसको मैं पूरा करना चाहता हूँ कि न तो मैं चांद सूरज हूँ नहीं कोई सितारा हूँ कि न तो मैं चांद सूरज हूँ नहीं कोई सितारा हूँ और नहीं हस्ती कोई मेरी फकत फिरता आवारा कि न तो मैं चांद सूरज हूं नहीं कोई सितारा हूं और नहीं हस्ती कोई मेरी फकत फिरता आवारा हूं और जो माँ के नाम एक शाम आज यहाँ पर इस गांव में जो आयोजन समिति के जितने भी पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ता हैं उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं और अगली पंक्तियां आयोजन समिति को समर्पित करता हूं कि न तो मैं चांद सूरज हूं नहीं कोई सितारा हूं और नहीं हस्ती कोई मेरी फकत फिरता आवारा हूं और हुआ मगरूर क्यों इतना जमाना पूछता मुझसे कि हुआ मगरूर क्यों इतना जमाना पूछता मुझसे हूँ जैसा भी मगर माँ का कसम से मैं दुलारा हूँ जैसा भी मगर माँ का कसम से मैं दुलारा हूँ और एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपनी माँ का तो मैं दुलारा हूँ अपने बच्चों की माँ का भी दुलारा बिल्कुल बिल्कुल माँ तो माँ होती है सही बात है किसी की ये भुक्त भोगी है तभी बोल रहे अनुभव बोलता है दर्द छलक जाता है और ये जितने भी कवि बैठे हैं ये दादा जय सिंह आर्य जो आज पूरी दुनिया में जिनका नाम है ये कवि कैसे बने वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते ये बड़ी बात नहीं है कि ये इतने बड़े कवि हैं बड़ी बात ये है कि आज इतने बड़े होकर के भी इतने सरल और सहज हैं ये बहुत बड़ी बात है कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते और जब भी
भारतीय साहित्य का वर्णन किया जाएगा, कहीं इतिहास लिखा जाएगा या कहीं उसकी बात की जाती है, तो दो कवियों के नाम विशेष रूप से लिए जाते हैं, एक महाकवि तुलसीदास और एक महाकवि कालिदास। इन दोनों का इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनकी जीवनी पढ़ी होगी और इनके कवि बनने के पीछे की क्या राज रहा वो भी आप लोग सभी वाकिफ होंगे कि यही एक सीख तुलसी और कालिदास से मिलती है कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक सीख तुलसी और कालिदास से मिलती, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आपसे आग्रह है कि ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य दबाएं ताकि लगातार आपको वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।